हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक सॉल्यूशन के में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग के बारे में, जो कि हमारी होती है वाईफाई ब्रॉडकास्टिंग। वाईफाई ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है और इसको कैसे डिसेबल करेंगे और कैसे सिक्योर कर सकेंगे अपने वाईफाई कनेक्शन को, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली इसमें है क्या, देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरा वाईफाई यहाँ पे जो कनेक्टेड है, पहले से BSNL FTTH जो मेरा यहाँ पे वाईफाई है वो कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये अपनी होती है SSID नेम, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं अपना जो है अपनी ब्रॉडकास्टिंग वाईफाई ब्रॉडकास्टिंग डिसेबल करूँगा, तो यहीं पे एक साइड में अपना एक और आ जाएगा ऑप्शन, उसमें आ जाएगा आपका हिडन नेटवर्क। हिडन नेटवर्क में क्या होता है, अपना जो है SSID डालनी पड़ती है, ये नाम डालना पड़ेगा और साथ में पासवर्ड डालना पड़ता है। इसमें क्या डबल सिक्योरिटी हो जाती है, ताकि आप जो है सिक्योर रहो ज़्यादा। तो इसमें ये रहता है और आपके आइडेंटिफाई नहीं होती है कि ये किसका नेटवर्क है और किसका नहीं है, तो इससे आपको ये पता चलता है। तो इसको चलिए करके देखते हैं कैसे होगा। इसके अंदर अपनी ONT के सेटिंग्स में जाके आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं गूगल पे। यहाँ पे अपन जो इसमें लॉग इन करेंगे, तो इसमें जो है लॉग इन करते हैं। इसमें जो अपना डिफ़ॉल्ट पासवर्ड अपना एडमिन होता है यूज़र नेम, और पासवर्ड जो है आप अपने वेंडर से पूछ लीजिएगा, क्योंकि वो जो है चेंज करते रहते हैं पासवर्ड, क्योंकि उनको जो है सही पासवर्ड पता होता है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे आ गए हैं और आपको उसके बाद जाना है नेटवर्क्स पे। नेटवर्क्स के अंदर आपको दिख रहा होगा वेलन, तो इसमें जाएंगे वेलन में। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक डिसेबल ब्रॉडकास्ट, तो डिसेबल ब्रॉडकास्ट करके आपको दिखाते हैं इसमें क्या करना है। इस पर अपन टिक करेंगे और टिक करने के बाद सिंपली आपको अप्लाई एंड चेंजेस पे करना है। तो जैसे ही अप्लाई और चेंजेस पे करेंगे, तो आपका जो है वाईफाई नेटवर्क जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा ये वाला, और यहाँ पे एक और नया हिडन नेटवर्क नाम से आ जाएगा। तो याद रखना, आपका नेट भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसमें अप्लाई एंड चेंजेस करते हैं। और इसमें जो है आपको पासवर्ड भी जो है याद करके रखना है, अपना जो पासवर्ड है वो आपको याद करके रखना है, और अपनी SSID नेम में वो भी याद करके रखना है। देखिए अब डिस्कनेक्ट हो गया, न्यू इंटरनेट आ रहा है, यहाँ से भी डिस्कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने बोला था ना, देखिए ये और किसी के आ रहे हैं, पर जो हिडन नेटवर्क है ये कौन सा है, हिडन नेटवर्क ये अपना ही है, क्योंकि इसमें देखो फुल रेंज आ रही है, तो ये अपने ही है। इसमें जो अपनी SSID नेम थी वो इसमें अपन डालेंगे, जैसे कि मेरे थे BSNL FTTH, तो वही मैं इसमें डाल देता हूँ। और नेक्स्ट करके इसमें जो मेरा पासवर्ड है वो मैं इसमें के अंदर डालूँगा, ठीक है। तो मैंने अपना पासवर्ड है वो उसके अंदर डाल दिया, और नेक्स्ट करके इसको कनेक्ट करेंगे, तो ये जो है कनेक्ट हो जाएगा। वेट करते हैं, देखिए ये कनेक्ट हो गया है BSNL FTTH 2 के नाम से। वो मेरा SSID का नाम था BSNL FTTH, तो इसमें BSNL FTTH 2 के नाम से हो गया। और यहाँ पे जो मेरा पुराना वाला है वो भी इसमें आने लगा है, क्योंकि अब इसे ये पता चल गया है कि यहाँ ये जो है जेन्युइन बंदा है, इसी के साथ जो है कनेक्शन होना है, तो ये वाला भी आ चुका है ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो अभी इसके अंदर नेट चलाएंगे, तो नेट इसके अंदर चलने लगेगा। यूट्यूब चलाएंगे तो ये हमारा चलने लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसको भी अपन दोबारा से कर लेंगे। और इसको डिसेबल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, नेटवर्क्स में जाएंगे, वेलन में जाएंगे, और यहाँ पे लिखा ना डिसेबल ब्रॉडकास्ट, तो इसमें जो टिक किया था उसको अनटिक कर देंगे और अप्लाई एंड चेंजेस कर देंगे, तो ये जो है अपना हट जाएगा और यहाँ से अपना दोबारा से इस पर हो जाएगा। तो उसको करके देख लेते हैं कनेक्टिंग, इसमें थोड़ा वेट लगता है, टाइम लगेगा। तो ये हो चुका है लगता है मुझे, अभी नहीं हुआ, हाँ अब हो गया है। तो जैसे इसमें हो गया ना, अब नेटवर्क चेंज डिटेक्ट हो जाएगा दूसरा, तो इसमें अपन को इससे कनेक्ट कर लेंगे, इस वाले से चलने लगेगा। अभी थोड़ी देर तक अभी दिखाएगा, इसके घबराने वाली बात नहीं है। इसको ये जो दिखाएगा तो इसको अपन फॉरगेट कर देंगे, उसके बाद नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो सेव हो गया है इस वजह से दिखा रहा है, अदरवाइज़ वो नहीं दिखाता, ठीक है ना। तो सेव हो गया इस वजह से दिखा रहा है, इसको फॉरगेट कर देंगे, फिर कभी नहीं आएगा वो। तो ये अपना BSNL FTTH से दोबारा से मैंने कनेक्ट कर लिया है, जिसमें पासवर्ड सेव था, तो वही वही स्टार्ट हो गया दोबारा से। और इसको दोबारा रिलोड करते हैं, दोबारा से जो है ये ऑन हो गया है, ठीक है। तो इसमें ये था, और वैसे इसको कर देंगे दोबारा रिलोड, तो ये भी वहीं के वहीं आ जाएगा, और इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि ब्रॉडकास्टिंग जो है कैसे डिसेबल की जाती है और कैसे इनेबल की जाती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।